झारखंड के बेहतरीन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पहला खबर है रांची से। कुख्यात टीएसपीसी एरिया कमांडर आदेश गंजू को पुलिस ने धर दबोचा है। पहला खबर है रांची से। रांची के पिपरावार थाना क्षेत्र के पाहन टोगरी से टीएसपीसी नक्सली संगठन के एरिया कमांडर आदेश गंजू को पिपरावार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आदेश गंजू पर पिपरावार थाना में हत्या रंगदारी के 8 संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं कलुस्कीगंज थाना में एक मामला दर्ज है। पिपरावार थाना प्रभारी नीतीश दुबे ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि टीसीपीसी एरिया कमांडर अपने घर आया हुआ है। इसके बाद पुलिस की टीम गठित कर उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आदेश गंजू ने कई मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है। उसे पुलिस ने चतरा जेल भेज दिया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोले, हमने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर चढ़ाया है। प्रदेश के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने गुरुवार को मुरवे मैदान में एक भीड़ भरे जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान मजदूरों को खुशहाल देखना चाहती है। कोरोना काल में हमारी सरकार ने हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर चढ़ाया और उन्हें घर वापस कराया और किसानों को कृषि ऋण माफ कर उनको बड़ी राहत दी है। कृषि मंत्री यहां धान क्रय केंद्र का उद्घाटन कर रहे थे। उनके साथ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। खबर है रांची से। रांची का काके हटिया एवं गेतल सूट डैम होगा अतिक्रमण मुक्त। उपायुक्त ने दिए विभिन्न निर्देश। रांची के काके हटिया एवं गेतल सूट डैम का सीमांकन किया जाएगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने हफ्ते भर में इन डैमों का सीमांकन करने का निर्देश दिया है। कल गुरुवार को समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें उपायुक्त ने निर्देश पर डैमों के सीमांकन को लेकर टीम का गठन किया गया था। झारखंड में पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान। जमशेदपुर में पिकनिक मनाने गए 40 लोग जमानत पर हुए रिहा। आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान। पूरी सिंहभूम जिले के डीमना लेक पर पिकनिक मनाने गए 40 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने व मास्क नहीं पहनने के आरोप में कुल बुधवार को हिरासत में लिया गया। कोरोना की जांच के बाद इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इनमें एक महिला भी शामिल थी। इस मामले में इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 10 पिकनिक स्पॉट दंडाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति की गई है। पुरुलिया के रास्ते हावड़ा से रांची के लिए नई स्पेशल ट्रेन। 29 दिसंबर को हटिया से जाने वाली ये ट्रेनें रहेंगी रद्द। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच रेल से आवागमन करने वाले के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से खुशखबरी है। कोलकाता से सटे हावड़ा स्टेशन से रांची के लिए बुधवार से एक अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है। वहीं हटिया से यशवंतपुर जाने वाले हटिया यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन को 29 दिसंबर को रद्द कर दिया गया है। झारखंड कैबिनेट ने लिया लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1008 आवास बनाने का फैसला। जाने अन्य महत्वपूर्ण फैसले के बारे में भी। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाइट हाउस योजना की स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत राज्य में 1008 आवास का निर्माण कराया जाएगा। बैठक में राज्य सरकार को होटल अशोक का 98.21% शेयर खरीदने की अनुमति दी गई है। बैठक ने होटल अशोक का शेयर खरीदने के लिए 12.89 करोड़ रुपया खर्च करने की स्वीकृति दी है। साथ ही होटल के कर्मचारियों को BRS का लाभ देने के लिए 9.83 करोड़ को खर्च की स्वीकृति दी है। ITDC और BTDC के पास होटल के 98.21% शेयर है। कैबिनेट ने लाख उत्पादन के सहारे किसानों की आय में सालाना 52,000 रुपये की वृद्धि के लिए लाख उत्पादन योजना की स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत वन विभाग के सभी प्रमंडलों में पेड़ पर वन विभाग और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लाख उत्पादन योजनाओं को संचालित किया जाएगा। BIT में वैकेंसी। रांची में 132 फैकल्टी की होगी नियुक्ति। 12 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। BIT मिश्रा व लालपुर के कुल 16 विभागों के लिए फैकल्टी की बहाली होनी है। रांची के अलावा पटना और जयपुर कैंपस के लिए भी होगी नियुक्ति। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वैकेंसी निकली है। यह वैकेंसी विभिन्न सब्जेक्टों के फैकल्टी के लिए। BIT मिश्रा की ओर से जारी विज्ञापन के मुताबिक यह वैकेंसी रांची, जयपुर और पटना के लिए है। इसमें सबसे ज्यादा रांची के लिए 132 सीट है। इसके अलावा पटना कैंपस के लिए 52 और जयपुर के लिए 9 फैकल्टी नियुक्त की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पदों के लिए नियुक्ति होनी है। 15 फरवरी तक आवेदकों से आवेदन मांगा गया है। इसके बाद आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर की योग्यता 8 साल और प्रोफेसर के लिए 10 साल का शिक्षण क्षेत्र में अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की वेबसाइट www.bitmishra.ac.in से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
अगला खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। किसानों के हस्ताक्षर पर कांग्रेस बेनकाब, पकड़ा गया बड़ा फर्जीवाड़ा। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल जारी है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और 2 करोड़ हस्ताक्षर राष्ट्रपति को सौंपे। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2 करोड़ किसानों ने कृषि कानून के विरुद्ध हस्ताक्षर किया। कुछ ही घंटों में किसानों के हस्ताक्षर मामले पर कांग्रेस बेनकाब हो गई। किसी के मुंह से निकला खून तो किसी को कॉलर से घसीटा गया। ममता पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ता को दौड़ा दौड़ा कर मारा। पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। कभी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के गुंडे तो कभी सत्ताधारी पार्टी के अधीन राज्य पुलिस आए दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर क्रूरता की हद पार कर रही है। प्रियंका वाड्रा समेत कई कांग्रेसी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नए कृषि कानूनों के खिलाफ कल राष्ट्रपति भवन की ओर कुछ करने वाले थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी। राहुल गांधी समेत सिर्फ 3 लोगों को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत दी। कश्मीर के आवाम की आवाज, देखिए फारूक अब्दुल्ला की कैसी फजीयत हुई वीडियो के माध्यम से। कोई तालमेल भी नहीं रखा था और आवाम को वो अच्छी बात कहने में सफलता उन्होंने नहीं पाई है, तो ये सही बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी कामयाबी कश्मीर से ले ली है और खासकर 70 सीटों पे बिल्कुल बम्पर ऑफर है भारतीय जनता पार्टी के। क्या कहेंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पर 370 के लिए जो काम करेंगे उसको वापस लाने के लिए काम करेंगे, बीजेपी का हम अब बीजेपी को हमारी बात माननी पड़ेगी। देखो ये कोई ये तो DDC इलेक्शन है भाई, कोई पार्लियामेंट मेंबर नहीं है, वो पार्लियामेंट में खुद मेंबर था, वहाँ बात नहीं करता है। अब DDC कैंडिडेट वहाँ भेजेगा नारा देने के, ऐसा ये आवाम को वो धोखा देने की बात है। वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 370 कश्मीर में 70 सालों के बाद भी नहीं आएगा। जब फारूक अब्दुल्ला और दूसरा जन्म भी ले लेगा तब भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, कुछ नहीं है। वो हम खुश है 370 खत्म हो जाए। ये डर पहले इन्हीं लोगों, यही लोग तो डराते हैं इन लोगों को भाई, बाहर शेर है। जब मोदी ने इनका चैन खोला वो क्या निकले गधे। अब इनको आवाम को पता चल गया है कि बिल्कुल वो शेर नहीं है, बिल्कुल वो गधे हैं भाई। अब हम डर क्यों रहे हैं, तो इसलिए जोग दर जोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं और आने वाला कल जो होगा जिले कुपवाड़ा के लिए बेहतरीन होगा। और मैं वादा करता हूं जिले कुपवाड़ा से इनको बिल्कुल एक वोट भी नहीं मिलेगा। उन्नीस सौ 99 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वह एक वोट क्यों नहीं हासिल कर पाई, राज से उठा पर्दा। लोकसभा में 1999 में महज एक वोट से तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाने के बारे में एक किताब में बड़ा खुलासा किया गया है। किताब में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी छोटी पार्टियों के साथ तालमेल बिठा पाने में नाकाम रही थी, यही सबसे बड़ी कारण रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र एक वोट से गिर गई। हालांकि बीजेपी वाजपेयी सरकार गिराने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सांसद गिरधर गमांग और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैफुद्दीन सोज को मुख्य दोषी मानते हैं। 4 बड़े आतंकी रिहा, आ रही है अब तक की सबसे बड़ी खबर, छूट गए ये खूंखार। पाकिस्तान के सिंध हाईकोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर के हत्यारे को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है। जी हां, अमेरिकी पत्रकार के हत्यारे पाकिस्तान आतंकी उमर शेख, फहद नशीम, सईद सलमान शाकिब और शेख मोहम्मद कादिर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि कंधार प्लेन हाईजैक के बाद भारत से छूटे गए 3 आतंकियों में से एक का नाम उमर का भी है, इसे पाकिस्तानी कोर्ट ने रिहा करने का फैसला सुनाया है। क्या आप जानते हैं महिलाओं को किसने सिखाया उल्टे पल्लू की साड़ी पहनना, पीएम मोदी ने बताया। क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को किसने उल्टे पल्लू की साड़ी पहनना सिखाया या कब से महिलाएं उल्टे पल्लू का प्रयोग करने लगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी कार्यक्रम में बताया कि भारतीय महिलाएं उल्टे
पल्लू की साड़ी के पहनना सबसे पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई और देश के पहले ICS अफसर सत्येंद्रनाथ टैगोर की पत्नी ज्ञान नंदिनी देवी ने बताया था। उन्होंने ही बाएं कंधे पर महिलाओं को साड़ी का पल्लू बांधना सिखाया। उत्तर प्रदेश की कृषि मंत्री ने कांग्रेस के हस्ताक्षर को बताया फर्जी। कांग्रेस को 2 करोड़ वोट नहीं मिलते तो क्या होता, जानिए। कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिंह के मिले और किसानों के हस्ताक्षर सौंपे। राहुल गांधी ने दावा किया कि 2 करोड़ किसानों ने कृषि कानून के विरोध में हस्ताक्षर किया है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हस्ताक्षर को फर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब मतदान होते हैं तो कांग्रेस को 2 करोड़ वोट नहीं मिल पाते तो किसानों के हस्ताक्षर कहां से लेकर आ गए। बेहोश कर ही काटे जा सकेंगे जानवर, महाजबियों ने कहा हमारे रिवाज पर हमला कर रहा है कोर्ट। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसके तहत प्रशासन अधिकारी आदेश दे सकते हैं कि जानवरों का वध करने से पहले उनकी स्टनिंग की जाए। दरअसल बेल्जियम के फ्लेसिस क्षेत्र में एक नियम लागू किया गया जिसके अंतर्गत पशुओं की हत्या करने के लिए उनकी स्टनिंग यानी बेहोश अनिवार्य होगी। पशु अधिकारों के आधार पर स्टनिंग के बिना पशुओं की हत्या पर पाबंदी होगी। गुरुवार को यूनियन की सबसे बड़ी अदालत ने इस नियम का समर्थन किया। बाबा रामदेव ने किसान आंदोलन और MSP से लेकर कही चौंकाने वाली बात। योग गुरु बाबा रामदेव ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि अन्नदाता का नुकसान नहीं होना चाहिए और सरकार जो कुछ किसानों के लिए बेहतर करना चाहती है वो भी हो जाए, बातचीत के माध्यम से बीच का रास्ता निकालकर इस समस्या का हल निकाला जाए। कोरोना काल में वर्चुअल बैठकों के मामले में PM मोदी अव्वल, 17 वर्चुअल सम्मेलन के साथ 90 बार वैश्विक नेताओं से फोन पर की बात। देश के प्रति PM मोदी के कर्तव्यनिष्ठ और समर्पण का कोई सानी नहीं, परिस्थितियां सामान्य हो या असामान्य PM मोदी हमेशा ही अपने कर्तव्य पालन में जुटे रहते हैं। कोरोना काल में जब जिंदगी की रफ्तार थम गई थी, विदेशी यात्रा पर पाबंदी लगाई थी, विदेश तो दूर की बात देश में भी आना जाना मुश्किल था, ऐसे दौर में PM मोदी की सक्रियता कम नहीं हुई। ऐसे में इस महामारी के दौरान वैश्विक नेताओं से संपर्क के लिए PM मोदी ने तकनीकी का सहारा लेकर वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लिया। टेम्पो में दुष्कर्म, BSc की छात्रा चिल्लाती रही, दरिंदे नोचते रहे। बलात्कार को रोकने के लिए देश में तमाम कड़े कानून बनाए गए लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से एक ऐसी ही खबर आई है जिसमें समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया गया है। बता दें कि यहां एक चलते टेम्पो में कुछ लड़कों ने BSc के छात्रा के साथ रेप किया। घटना के बाद पीड़िता परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर दुष्कर्म के 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नए साल से हर हफ्ते तय हो सकते हैं LPG सिलेंडर के दाम, जाने इससे पहले आपको फायदा होगा या नुकसान। आने वाले नए साल 2021 से घरेलू LPG सिलेंडर के दाम पर हफ्ते तय हो सकते हैं। अभी गैस सिलेंडर के दाम हर महीने की पहली तारीख को तय होते हैं, हालांकि दिसंबर में 2 बार LPG सिलेंडर के रेट में इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए LPG के वितरकों का कहना है कि अब हर हफ्ते घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। RRB NTPC 2020 एडमिट कार्ड रिलीज, CBT 1 एडमिट कार्ड जारी, यहां है डाउनलोड का लिंक। NTPC भर्ती परीक्षा के पहले चरण CBT 1 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 1.26 करोड़ उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म हुआ है। हालांकि एडमिट कार्ड अभी केवल पहले फेज के उम्मीदवारों के लिए रिलीज हुआ है। जिन उम्मीदवारों की एग्जाम सिटी और डेट के डिटेल्स अभी रिलीज नहीं हुई है उनका एग्जाम बाद के राउंड्स में आएगा। उड़ीसा के CM का ऐलान, राउरकेला में बनेगा देश के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनाया जाएगा। यह स्टेडियम 2023 में पुरुषों के हॉकी वर्ल्ड कप के मैचों की मेजबानी करेगा। इस स्टेडियम में 20,000 दर्शक मैच देख पाएंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। IPL में 2022 से होगी 10 टीमें। BCCI AGM में और भी कई अहम फैसले। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की वार्षिक आम सभा बैठक में इंडियन प्रीमियर लीग में 10 टीमों की भागीदारी को मंजूरी मिल गई है। हालांकि इसे आगामी सीजन की जगह 2022 से लागू किया जाएगा।
गुरुवार को अहमदाबाद में हुई इस बैठक में नई आईपीएल फ्रेंचाइजी को शामिल करने का मुद्दा सबसे पहले आम रहा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।